इस वीडियो से मैं रेविट आर्किटेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रेविट आर्किटेक्चर 2019। तो अगर आप रेविट सीखना चाहते हैं आर्किटेक्चर फील्ड से, तो आप आसानी से सीख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस देख के। वैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं रेविट आर्किटेक्चर की, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से, तो आप इसी वीडियो से आगे अगर आने वाली वीडियोस को देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो रेविट आर्किटेक्चर में यूज़ की जाती हैं। अगर आपने मेरी जो पीछे वाली वीडियोस हैं अगर वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आप youtube.com पर जाएंगे और सर्च में मेरा नाम लिखेंगे, गुलशाद अंसारी या रेविट इन हिंदी, रेविट इन उर्दू, इस तरीके से सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जब आप मेरा चैनल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको कुछ भी चीज़ सीखना है यहाँ से, जो मेरी वीडियोस हैं, मेरी इन वीडियोस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट भी हैं। ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी रेविट आर्किटेक्चर की, ये 2016 में मैंने पोस्ट करी थी और ये 2016 वर्ज़न पर ही मैंने काम किया था। तो मैं अभी ये वाली सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, इसमें कुछ मैं नया लेके आऊँगा, कुछ अपग्रेड करूँगा इसमें टूल्स को काफ़ी, क्योंकि अभी काफ़ी अपग्रेड हो गया है रेविट भी, 2019 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखना चाहते हैं, ये 26 वीडियोज़ हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आपके काम की कोई वीडियोज़ आपको यहाँ पर लगती है तो आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वापस चलते हैं रेविट पर। तो ये हमने ओपन कर रखा है यहाँ पर रेविट 2019। सिंपल सा ही सॉफ्टवेयर है, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब सीख जाएंगे तो आपको इसमें काम करने में मज़ा भी आएगा और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो जब रेविट ओपन कर लेंगे, ये 2019 वर्ज़न है, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होके आएगी। सबसे ऊपर यहाँ पर इसमें टाइटल बार होती है ये, और यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ये मेन चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स, तो ये पूरा प्रोजेक्ट का सेक्शन है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हैं जो मैंने अभी अभी ओपन किए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर नया प्रोजेक्ट और जो बने हुए प्रोजेक्ट हैं उनको ओपन करने का ऑप्शंस हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर फैमिलीज़ का सेक्शन होता है, जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक्स बनाते हैं आप, एक लाइब्रेरी बनाते हैं, तो इसमें फैमिलीज़ बोलते हैं उसको। तो फैमिलीज़ में आप यहाँ पर न्यू फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, जो बनी हुई है उनको ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर कंसेप्चुअल मास की फैमिली ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने ओपन कर रखी थी वो हम यहाँ पर इसमें उनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके रिसोर्सेज हैं, यानी कि इसके कुछ हेल्प्स हैं रेविट की तरफ से, ऑटोडेस्क की तरफ से, और ये ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑटोकैड ऑटोडेस्क का ही है, 3D Max भी ऑटोडेस्क का ही है, तो ये रेविट भी ऑटोडेस्क का ही है। तो इसमें हम आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें टेम्पलेट ओपन करना होती है। आप नई फाइल स्टार्ट करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं या कोई नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप न्यू फाइल को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो न्यू फाइल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू, या फिर हम यहाँ पर रेविट के नीचे फाइल लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू, तो जब न्यू पर ओपन क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पर न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स शो करेगा। अगर आपका पास लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसमें एक काम करूँगा, जो प्रोजेक्ट की टेम्पलेट हैं वो मैं अपलोड करके उसका डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है तो आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ पर मिलेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ब्राउज पर। ब्राउज पर जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको कन्फर्म करा लें। जब आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे, आपका हो सके अगर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है, जब आप रेविट इंस्टॉल करते हैं, तो जब रेविट इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप, जो भी आप जिसमें भी इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्ट रहे, तो इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है
जब रेबिट इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ पर होती है, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम डाटा। और ये फोल्डर जो होता है प्रोग्राम डाटा, ये हिडन में होता है, तो इसको आपको हिडन फाइल शो करनी पड़ेगी फोल्डर, तब ये दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑटोडेस्क फोल्डर में RVT 2019 या 18 या 17, जो सब आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे 2019, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। एक तो टेम्पलेट्स का होता है, लाइब्रेरीज के अंदर जो होती हैं वो फैमिलीज होती हैं। और अगर टेम्पलेट्स पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो टेम्पलेट्स पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की टेम्पलेट होती हैं, उसमें जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपका पास एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन कौन सी टेम्पलेट या लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ किया था, तो ये आएगा यहाँ पर। जैसे मैंने US मेट्रिक पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ पर ये US मेट्रिक, यानी कि जो कोई मिलीमीटर या मीटर पर काम करता है, वो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आर्किटेक्चर से आप काम करते हैं तो डिफ़ॉल्ट मेट्रिक, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, इस तरीके से। ये सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सभी का काम करने का डिसिप्लिन अलग होता है। तो जो आर्किटेक्चर पर काम करेंगे हम, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट मेट्रिक, या फिर हम यहाँ से जाएंगे इम्पीरियल पर डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चर को ओपन कर लेंगे, और उसकी जो यूनिट आएगी बाय डिफ़ॉल्ट वो फिट और इंच में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर इम्पीरियल सेलेक्ट किया है हमने। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इम्पीरियल में या मेट्रिक में किस में काम करना है। मैं ये दोनों फोल्डर US इम्पीरियल और US मेट्रिक अपलोड करके आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप आसानी से उसको डाउनलोड करने के बाद अपने अपने कंप्यूटर में कहीं भी इसको रख सकते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर ऑप्शन आएगा ब्राउज का, तो आप उसी फोल्डर में जाएं जहाँ पर आपने ये दोनों फोल्डर डाउनलोड करके रखें, और यहाँ से आप इसको, अगर आप फिट इंच पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप मिलीमीटर पर काम करना चाहते हैं या मीटर पर काम करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट मेट्रिक को आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। तो मैं भी इसमें कोई सा भी ओपन कर लेता हूँ, मैंने US इम्पीरियल में डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट किया और ओपन करा लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके बटन पर। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो कोई फर्स्ट टाइम डेबिट यूज़ करता है, तो किसी को पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाई, मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पर, तो उनमें काफ़ी बंदों को यही प्रॉब्लम आती है कि इसमें आप, हमें टेम्पलेट वगैरह नहीं मिल रही, लाइब्रेरी नहीं मिल रही। तो ये मैं आपको फोल्डर इसमें नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर अभी हमारी न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अगर आप कोई भी टेम्पलेट ओपन नहीं करेंगे तो आपको इस तरह की सेटिंग नज़र नहीं आएगी जैसी अभी यहाँ पर आ रही है। तो कोई ना कोई टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करके ओपन करनी होगी, तब इस तरीके की आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या होता है। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस मेन्यू बार होती है, जहाँ पर आप कुछ भी जैसे ओपन करना, सेव करना या प्रिंट, ये थोड़े बहुत टूल्स हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये टाइटल बार है, यहाँ पर ये साइन इन का ऑप्शन है, आप थोड़े इससे साइन इन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये रिबन होती है, और यहाँ पर इसमें ये टैब्स हैं अलग अलग, जैसे आर्किटेक्चर के लिए काम करना है तो आर्किटेक्चर टैब, और यहाँ पर ये सारे इसके अंदर टूल्स हैं। और इसके बाद यहाँ पर जैसे आर्किटेक्चर के अंदर ये पैनल्स हैं, जैसे बिल्ड पैनल है, उसके अंदर ये कमांड्स हैं सारी। उसके बाद सर्कुलेशन है, मॉडल है, ये इसी तरीके से है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर टैब के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड टूल्स हैं। स्टील के अंदर भी ये नया आया है अभी रेविट 2019 में, पहले नहीं होता था। सिस्टम में जो होता है MEP वाला होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे MEP के टूल्स हैं यहाँ पर, यानी कि मैकेनिकल, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल के टूल्स हैं, और ये पाइपिंग के टूल्स हैं, और इंसर्ट के यहाँ पर टूल्स हैं। इसी तरीके से सब के टैब्स के अंदर अलग अलग टूल्स हैं, और यहाँ से ही सब ये यूज़ होंगे। इनकी शॉर्टकट्स भी होती हैं, मैं जैसे जैसे इसमें आगे बताऊँगा उनकी शॉर्टकट्स भी बताता रहूँगा, और यहाँ से भी आप इनको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र आता है बाई डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ये बंद भी कर सकते हैं, और इनको अपने हिसाब से हम उठा के इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी स्क्रीन है आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इनको कहीं भी रख सकते हैं। बंद भी हो सकते हैं ये बाई मिस्टेक या ना भी आए, तो इसका बिल्कुल सिंपल आसान सा तरीका ये है, राइट क्लिक करें कहीं भी खाली जगह पर, और प्रॉपर्टीज़ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। आप इसको उठा के या तो इधर रख सकते हैं, यहाँ पर जब आप यहाँ पर लाएंगे तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगी, या इस साइड पर सेट करते हैं तो इस साइड पर सेट हो जाएगी। प्रोजेक्ट ब्राउज़र चाहिए, राइट क्लिक करेंगे खाली जगह पर, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र।
इसके बाद प्रोजेक्ट ब्राउजर को आप जहां भी रखना चाहते हैं वहां पर इसको रख सकते हैं। जूम करना है आपको, इसमें जो माउस यूज़ करना है वो तीन बटन वाला यूज़ करना है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक होता ही है बाय डिफॉल्ट, और बीच में जो ये स्क्रॉल होता है इसको आप करेंगे तो इसमें जूम इन जूम आउट होगा, और अगर इसको प्रेस करते हैं तो आप पेन का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो चार आपको ये नज़र आ रहे हैं ये एक तरह से कैमरे हैं, यानी कि एलिवेशन के कैमरे हैं। आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग यहाँ पर सपोज करो बनाई है हमने, तो इसके चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ का व्यू आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास ये कुछ ग्राफिक ऑप्शंस होते हैं, ग्राफिक टूल बार भी कह सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर ये स्टेटस बार है, और यहाँ पर ये कुछ माउस के कंट्रोल्स हैं, सिलेक्शन के कंट्रोल्स, यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही प्रोजेक्ट में हम इसमें ट्यूटोरियल्स में हम आगे सीखेंगे। तो ये हमारा वर्क स्पेस होता है, जो भी काम करना होता है हमें यहीं पर करना होगा, और जो भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ पैलेट है, और प्रोजेक्ट ब्राउज़र से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करें। अब बात आती है कि फाइल को सेव करना, ओपन करना। ये बिल्कुल सिंपल सी, जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में करते होंगे ऑटो कैड में, फाइल को सेव करनी है, यहाँ पर क्लिक करें या कंट्रोल एस प्रेस करें। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको आप सेव कर सकते हैं आसानी से, और इसकी जो एक्सटेंशन होता है डॉट RVT होता है, और इसमें ओल्ड वर्जन में आप यहाँ पर सेव नहीं कर सकते, इसका दूसरा अलग तरीका होता है। तो ये रेविट में ही सेव होगी डॉट RVT में, और ओल्ड वर्जन में नहीं होगी। अगर आप 2019 में सेव कर देते हैं इसको 2019 वर्जन में, तो उसी में ओपन होगी, पुराने वर्जन में ओपन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपने पहले से फाइल बना रखी है उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन पर, और जहाँ भी आपकी फाइल है वहाँ से क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। और न्यू प्रोजेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और क्लोज पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, एग्जिट करते हैं रेविट से बाहर आ जाएंगे। तो ये पूरा यूज़र इंटरफेस था, और कैसे हम नई फाइल को लेंगे और कैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे ओपन करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है कि इसमें सारी इसकी सारी डिटेल्स बताई जाए, जब हम इसके ऊपर काम करने लगेंगे सारी चीज़ों का खुद ही हमें पता चलता चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इन सभी वीडियोज़ को देख सकें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे, इसमें कमेंट बैक में अपना फीडबैक दे दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।